हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ और उसका डेमो भी देने वाली हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सारा आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी आगे। तो सबसे पहले तो वो प्रोडक्ट क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। प्रोडक्ट है ये है नाइल कंपनी का प्रोडक्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने इसे एक महीने यूज़ किया हुआ है। एक बॉटल मैंने फिनिश कर दी है, ये दूसरी बॉटल मैंने ऑर्डर की है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत मस्त रहा है, तो उसको भी मैं आपको आपके साथ इसको मैं शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप भी बॉडी लोशन कुछ अपने बॉडी लोशन में चेंज करना चाहते हो, डिफरेंट बॉडी लोशन यूज़ करना चाहते हो, तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। तो फिर चलते हैं इसके डिटेल के बारे में। सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, देख सकते हो। एक लंबा सा बॉक्स दिया गया है इसमें और ऑरेंज कलर का कैप दिया गया है। इस तरह का इसका कैप है, इस तरह से इसका कैप दिया गया है और ये ऑरेंज कलर में है, लंबा सा बॉक्स है। तो बहुत सुंदर पैकेजिंग है उसकी। सबसे पहली बात तो थोड़ा सा दिखने में अट्रैक्टिव है। फिर इसमें लिखा क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। ये स्किन को नरिश भी करेगा और स्मूथ भी रखेगा। और इसमें लिखा हुआ है बॉडी लोशन फॉर नॉर्मल स्किन, ये नॉर्मल स्किन के लिए कहा गया है इसमें। और इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स हैं, मेन इन्ग्रीडियंट्स जो हैं वो ये है कि इसमें कैरेट सीड्स ऑयल है और प्योर मिल्क से बना हुआ है। 24 आवर्स आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करे रहेगा। और इसका जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी इसमें दी गई 400 ml, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी दी गई है आपको। क्वांटिटी बहुत अच्छी दी गई है। और इसका रेट जो है वो है 265, जो इसमें मेंशन किया गया है वो 265 है। और तो फ्लिपकार्ट में शायद आपको 201 का मिल जाएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी ताकि आप सीधे ऐड टू कार्ट जा सको। और इसमें और क्या, हाँ, इसकी शेल्फ़ लाइफ है वो भी बहुत अच्छी दी गई। 3 साल की आपको शेल्फ लाइफ दी गई है, काफ़ी अच्छी खासी आपको शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी दी गई है। बाकी इंग्रेडिएंट्स काफ़ी कुछ इसमें मेंशन है और मेन इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। मेन कैरेट सीड ऑयल है और प्योर मिल्क से बना हुआ है। इसमें एक चीज़ और मेंशन की है कि एप्लीकेशन एरिया जो कि बॉडी है, पूरी फुल बॉडी में अप्लाई कर सकते हो आप। ये मैन और वुमेन दोनों के लिए है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। फॉर ऑल स्किन टाइप यहाँ मेंशन किया गया है, जहाँ से मैंने इसे ऑर्डर किया है तो वहाँ ये मेंशन है कि ऑल स्किन टाइप लिखा हुआ है उसमें। और लोशन फॉर्म में है, ये बात सही कि वो थोड़ा लोशन रनिंग फॉर्म में है, लोशन फॉर्म में है। और इसके डिटेल में जाएं तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है नाइल नेचुरल नरिश एंड स्मूथ बॉडी लोशन हैज़ अ गुडनेस ऑफ कैरेट सीड ऑयल एंड प्योर मिल्क एंड हेल्प्स नरिश योर स्किन एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम बिकमिंग रफ एंड स्केली बाय प्रोवाइडिंग 24 आवर्स मॉइस्चराइजिंग। Nile brings to you the perfect solution of all season skin care with a range of Nile body lotion that nourish your skin while moisturizing at the same time. Unique combination of carrot seeds oil and pure milk in lotion gives soft and moisturized skin to men and women. Carrot seed oil, it has antioxidant that can known to protect skin from damage caused by free radicals induced by UV radiation. Milk, pure milk helps skin soft, moisturized or provides nourishment. Clinically proven to provide moisturization for 24 hours. Direction for use after bath, pat dry your skin and apply generously all over body, reply as needed as specified dry and rough areas. Suitable for all skin type, country of origin India. ये इसके डिस्क्रिप्शन पर इतना लिखा हुआ है। इसमें ये कहा गया है कि जो इसमें मिल्क दिया गया है, मिल्क यूज़ किया गया है, वो प्योर मिल्क है जो हमारी स्किन को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है, मॉइस्चराइज रखता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और जो कैरेट है, जो कि सभी को पता है कि कैरेट होता है, वो एंटी ऑक्सीडेंट उसमें पाया जाता है, तो हमारी स्किन के लिए वो कैरेट भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, यूवी रेज से हमें बचाता है। तो ये इसलिए कैरेट, इसमें इस कैरेट सीड ऑयल का यूज़ किया गया है। और डायरेक्शन जो बताया गया है इसमें वो ये है कि आप जब अपना बाथ ले लो, उसके बाद अपनी स्किन को पूरा अच्छे से पैड ड्राई हो जाए, आपकी स्किन ड्राई हो जाए स्किन, उसके बाद आप अपने बॉडी में उसे अप्लाई कर लो अच्छे से। और जहाँ आपका बहुत ज़्यादा रफ एरिया है, स्पेसिफिक ड्राई एरिया जो है आपका, जो बार बार आपका रफ होता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस जहाँ बहुत ज़्यादा आपको फील होती है, उस एरिया में आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हो।
मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि चूँकि मेरी स्किन जो है ना वो ड्राई भी है और सेंसिटिव भी है, दोनों ही हैं। और चूँकि इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप, मेंशन किया हुआ है फॉर नॉर्मल स्किन के लिए है ये, पर मेरी स्किन सेंसिटिव है और ड्राई है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो ये बेस्ट है आपके लिए, समर के लिए भी बेस्ट है और विंटर के लिए भी बेस्ट है। और अगर आपको आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो भी ठीक है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, मेरा चल जाता है, मेरा इससे हो जाता है। और अगर जैसे मेरी स्किन विंटर में ज़्यादा ड्राई होती है ना कि समर में, विंटर में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो फिर मुझे ये अप्लाई करना पड़ेगा दिन में 2 बार। इसमें लिखा हुआ 24 आवर्स आपका पूरे दिन चलेगा, पर मेरा अभी ये चल जाता है पूरे दिन, पर ये विंटर में मेरा पूरे दिन नहीं चलेगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस मैं दे रही हूँ, इसमें जो लिखा है उसके अनुसार मैं नहीं दे रही हूँ, जो मैंने फील किया है वही मैं आपको बताऊँगी। तो विंटर में मैं इसे 2 बार यूज़ करूँगी तब मेरा होगा, 1 बार में ये मेरा नहीं होगा, मेरी स्किन ड्राई हो जाएगी। विंटर में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो मुझे 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये मेरा मेरी स्किन को मॉइस्चर बनाए रखेगा। तो ये है, और ये काफ़ी हल्का है, लाइट वेट है, आप अपनी स्किन में इसे अप्लाई करोगे तो ये आपको कहते हैं बहुत हैवीनेस फील नहीं होगा। तो इसका जो टेक्सचर है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए इसका जो टेक्सचर है हल्का सा रानी, आपको ऑयली ऑयली फील होगा ही नहीं, ऑयली ऑयली जैसे इसका टेक्सचर नहीं है। मैं अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ अपने हैंड में, ये थोड़ा सा ब्लेंड होने में टाइम लेता है, हल्का सा ब्लेंड होने में टाइम लेता है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्किन को बहुत नरिश कर देता है, स्मूथ कर देता है, सपल कर देता है। हल्का सा इसको लगाने के बाद ना थोड़ा सा शाइन सी स्किन थोड़ी शाइनी होने लगती है, देख पा रहे होगे आप, देखिए ये अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है स्किन में, बहुत बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी हो गया है ये, आप देख सकते हो। मैं और क्लोज दिखाती हूँ आपको, आप देख पा रहे होगे मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट, मुझे अपनी स्किन बहुत सॉफ्ट फील होती है, इसको लगाने के बाद स्किन बहुत जल्द सॉफ्ट फील होने लगती है, बहुत सपल, बहुत स्किन अपने आप थोड़ा सा ना वो, ये जो है स्किन को हाइड्रेट भी कर देता है, नरिश करता है, स्मूथ कर देता है स्किन को। तो आपको स्किन बहुत देखिए कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट सी देखें तो, और इसकी जो फ्रेगरेंस है वो भी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। आप सोचो कि इसकी फ्रेगरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बिल्कुल नहीं है, बहुत ही माइल्ड फ्रेगरेंस है। और इसको लगाओ आप अपनी बॉडी में तो 4-5 घंटे जो होता है ना इसकी फ्रेगरेंस बनी रहती है, बॉडी से एक अच्छी सी स्मेल आती रहती है, तो इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है। आपको उसकी फ्रेगरेंस से कोई इरिटेशन नहीं होने वाला है, तो ये इसलिए मुझे ये बॉडी लोशन काफ़ी अच्छा लगा लगाने के बाद। और अगर आपने नाइल के प्रोडक्ट अभी तक यूज़ नहीं करे हैं, उसका बॉडी लोशन खासतौर से यूज़ नहीं किया है, तो मेरे कहने पर एक बार ज़रूर यूज़ करिएगा, और ट्रस्टेड ब्रांड है ये, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर भी करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपका भी एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। मैं इसी तरह से और भी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ लेकर आती रहूँगी, अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। तो फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ, तो टाटा बाय बाय, लव यू।